हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ व्हील मॉडल वर्ब। लास्ट वीडियोस में मैंने आपको शेल एंड शूट का मॉडल वर्ब का यूज बताया था। उन वीडियोस का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, सो सबसे फर्स्ट यूज है इसका फ्यूचर टेंस के साथ। फ्यूचर टेंस में सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ, सेकेंड और थर्ड पर्सन ही शी इट यू एंड दे, इनके साथ हम यूज करेंगे वी। लेकिन अगर हम मॉडर्न इंग्लिश की बात करें तो अगर हम फर्स्ट पर्सन यानी कि अगर आई और वी के साथ भी वी यूज करते हैं तो कोई हमारा गलत नहीं होता। लेकिन अगर दो वर्ड है, ठीक है, अगर दो वर्ड है तो ऑब्वियसली इनमें कुछ डिफरेंस भी होगा, तो आज हम वो डिफरेंस भी पढ़ेंगे। पर इस चीज का ध्यान रखना कि अगर आप आई और वी के साथ भी वी यूज कर रहे हैं तो सही है, और शेल का यूज ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। ओके, सो शी विल अपलव दिस ड्रेस, वह इस ड्रेस की तारीफ करेगी। ओके, अपलॉड, ओके, तारीफ करना, ठीक है, इसमें वर्ड का मीनिंग है अपलॉड, तारीफ करना, ओके, सराहना करना। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, शी रिया विल बी बोयंट, बो रिया विल बी बोयंट आफ्टर मीटिंग यू। रिया खुश होगी आपसे मिलने के बाद। ओके, तो ये था हमारा फ्यूचर टेंस में, यानी कि आप देखो हमने हिंदी में इसको नोटिस किया तो वाक्य के अंत में क्या रहेगा, आएगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं प्रोमिस करने के लिए। इस चीज को हमेशा याद रखना, जब आपको पक्का पता है कि आप कोई काम करेंगे, जैसे मैं पक्का वीडियो बनाऊंगी, ठीक है, सो उस कंडीशन में आई के साथ और वी के साथ हम विल यूज करते हैं। लेकिन अगर आप कहो कि वह पक्का वीडियो बनाएगा, ठीक है, तो इस कंडीशन में आप ही या शी के साथ शैल यूज करेंगे। सॉरी, अगर आपको अपना पक्का पता है कि आप ये काम करेंगे तो आप फर्स्ट पर्सन के साथ विल यूज करेंगे। लेकिन आप अगर दूसरे नेक्स्ट पर्सन के लिए श्योर है तो आप शैल यूज करेंगे। ओके, तो ये डिफरेंस था। आई विल हेल्प यू इन मेकिंग एस एच जी, शॉर्ट फॉर्म देख लेते हैं इसकी, आई प्लस विल, इस शॉर्ट फॉर्म इज आई, इसको हम प्रोनाउंसिएशन होंगे आई। आई हेल्प यू इन मेकिंग एस एच जी, मैं आपकी एस एच जी बनाने में हेल्प करूंगी, यानी कि मैं प्रॉमिस कर रही हूँ, यानी कि मैं पक्का करूंगी। तो मेरा फर्स्ट पर्सन के साथ क्या है, वी। वी विल हेल्प यू इन द डिवेलपमेंट ऑफ योर विलेज। कई स्टूडेंट्स इसको यूर बोलते हैं, रॉन्ग, इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी योर। ओके, वी विल हेल्प यू इन द डिवेलपमेंट, इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है डिवेलपमेंट। वी विल हेल्प यू इन द डिवेलपमेंट ऑफ योर विलेज, हम आपकी आपके गांव की डिवेलपमेंट में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं डिटर्मिनेशन, यानी कि दृढ़ निश्चय, यानी किसी काम को आप किसी काम को करने के लिए आप डिटरमिनाइड है। ओके, सो एग्जाम्पल देख लेते हैं, आई विल वेक अप एट 4 o'clock, मैं 4 बजे उठूंगी, यानी कि अभी तक मैं 4 बजे नहीं उठती बट अब मैं 4 बजे उठूंगी। ओके, तो यहाँ पे क्या है, डिटरमिनेशन। आई विल नॉट वेस्ट माई टाइम इन अननेसेसरी वर्क, मैं अनावश्यक कामों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। आई विल नॉट वेस्ट माई टाइम इन अननेसेसरी वर्क। ओके, तो ये कुछ देखो, इस इन दो चीजों से भी आपको यही समझ में आया होगा कि जब आप श्योर है कि किसी काम को आप पक्का करेंगे तो आप फर्स्ट पर्सन के साथ विल यूज करें। ओके, तो ध्यान रखना, जब आप पक्का श्योर है तो फर्स्ट पर्सन के साथ आप विल यूज करेंगे। लेकिन आप कोई नेक्स्ट पर्सन के लिए श्योर है कि वो काम करेगा तो आप शैल यूज करेंगे। ओके, अब आता है फोर्थ यूज, रियल कंडीशन के लिए, यानी कि जो कंडीशन वास्तविक है। इफ यू स्टार्ट टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग योर हेल्थ विल बी बेटर, अगर आप सुबह जल्दी उठना शुरू कर दो आपकी हेल्थ सही होगी या अच्छी होगी। ओके, सो ये कुछ इसका एग्जाम्पल और देख लेते हैं। इफ यू एग्जाम्पल नेक्स्ट है हमारा, इफ यू डोंट वेस्ट योर टाइम you will
डू बेटर देन हिम फॉर योर टीम. ओके, इफ यू डोंट वेस्ट योर टाइम यू विल डू बेटर देन हिम फॉर योर टीम. अगर आप अपना टाइम खराब नहीं करते तो आप अपनी टीम के लिए उससे ज्यादा अच्छा करेंगे. ओके, तो ये हमारे कुछ यूज थे विल के. तो फर्स्ट इस पर रिकैप कर लेते हैं. फर्स्ट था फ्यूचर टेंस में, जब आप फ्यूचर टेंस में सीखें तो थर्ड पर्सन के साथ. ओके, नेक्स्ट है प्रॉमिस करने के लिए. जब आप किसी से प्रॉमिस करते हैं तो आप फर्स्ट पर्सन के साथ आई विल यूज करेंगे. डिटर्मिनेशन के लिए आप विल यूज करेंगे फर्स्ट पर्सन के साथ. रियल कंडीशन में आप विल यूज करेंगे और अनरियल कंडीशन में आप गुड यूज करेंगे. कैसे करना है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी आपको. आज हमने प्रोनंसिएशन पढ़ी, दी डेवलपमेंट की योर, और हमने दो नए वर्ड सीखे बोयंट एंड अपलॉज. ओके स्टूडेंट्स, बाय. हेलो फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में आपको बताया है कि विल का यूज़ डिटर्मिनेशन के केस में कैसे करते हैं. यहाँ पे मैंने एक वर्ड बोला है डिटरमाइंड, इसकी प्रोनंसिएशन होती है डिटरमिंड.